हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस रेंजर्स। दिस इज जस्टिस भट्ट और अब हम एक डिस्कस करेंगे एनडीए के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर 12th स्ट्रीम 10+2 के बाद जनरली हम कंफ्यूज होते हैं कि हम किस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, अपना करियर किस फील्ड में बनाते हैं। सो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास या तो आईटी होता है या तो मेडिकल होता है। अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है, इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की या नेवी की जर्सी पहनना चाहता है, नेवी को सर्व करना चाहता है, तो उसके लिए होता है एनडीए। जैसा कि फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं एग्जाम के, एंड देन आप एनडीए में जाते हैं और उसकी आप ट्रेनिंग लेते हैं। तो बेसिकली एनडीए है क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए में क्या क्या आता है, एनडीए का सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस के ट्रेंड्स कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अभी ये छोटे इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये श्रीमद् भगवद गीता की एक लाइन है। यानी कि वो हर वीर जो कुछ ड्रीम देखता है, वो वीर कौन सा है, वो ड्रीमर है। वो क्या करता है, भोग करता है, यानी कि अचीव करता है, वो अचीवर बनता है। किस चीज़ का? वसुंधरा का। वसुंधरा मतलब यहाँ पे कोई सिर्फ ये धरती नहीं है, कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है। वसुंधरा का मतलब हुआ कि आपका वो ड्रीम, आपका वो वर्ल्ड, आपकी वो दुनिया जिस पे आप, जिसको पाने के लिए आप लगे हुए हैं। तो बेसिकली वीर भोग्या वसुंधरा, वो हर ड्रीमर, वो हर अचीवर, अगर उसके पास कुछ विजन है और एक अच्छे गाइडलाइंस के साथ अगर वो आगे जाता है तो अपने ड्रीम को डेफिनेटली पाएगा। ये हर, मेरा मानना है, ऐसा मानना है कि ये हर कैडेट्स के लिए, इवन नॉट कैडेट्स, जितने भी एस्पायरेंट हैं, जो भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटो होना चाहिए, उनका एक स्लोगन होना चाहिए, वीर भोग्या वसुंधरा। नाउ बैक टू एनडीए। ठीक है, एनडीए का सिलेबस बेसिकली, एनडीए पहले रिटन एग्जाम कराती है 900 मार्क्स का, देन एक एसएसबी होता है 5 डेज का, और उसके थ्रू लास्ट में आप एकेडमी में जाते हो और तैयारी करते हो, डिफेंस के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स, सेकेंड पेपर 600 मार्क्स का गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स, सेकेंड पेपर 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब आते हैं सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इंग्लिश 200 मार्क्स का, जीके 400 मार्क्स का। मैंने जीके क्यों लिख रहा है, ये जनरल नॉलेज है, इसमें जनरल साइंस भी आएगा, जनरल स्टडीज भी आएगा। ठीक है, ओवरऑल ये मिला करके 400 मार्क्स का होता है। यानी कि आपके गैट, गैट के दो पार्ट्स, इंग्लिश 200 मार्क्स एंड जीके 400 मार्क्स। जीके में जनरल साइंस और जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में आप देख सकते हैं हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। बेसिकली एनडीए का पेपर एनालाइज करने पे ये समझ में आता है कि वो आपसे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहता है, वो आपसे चाहता है कि जो उसने सिलेबस में दे रखा है वो आप एग्जैक्ट सिलेबस का आपका कवर होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिलेबस एंड देन उसका एक कवरेज होना चाहिए। नाउ सिलेबस आपको कई जगह पे लिखा मिल जाएगा, बट आवर कंसर्न इज हु इज द एग्जाम को कौन कंडक्ट करा रहा है, यूपीएससी। तो अगर आप यूपीएससी के सिलेबस पे जाते हो, यूपीएससी के पेज पे जाते हो, तो आपको सिलेबस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी में इन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री। सेक्शन डी में इन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एटसेट्रा, इसको पढ़ने पे समझ में आता है कि केवल हिस्ट्री की बात की जा रही है या मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जा रही है। बट अगर इसके हम सब हेड्स में जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि ये एक सेक्शन कितने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री विथ एम्फेसिस ऑन कल्चर, आपका एक सब्जेक्ट कल्चर निकल के आता है, एक आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया। फ्रीडम मूवमेंट, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एक सब्जेक्ट और निकल के आ रहा है जो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर्स प्लान ऑफ इंडिया, बेसिकली ये आप इकोनॉमी के सब हेड में पढ़ते हो। नेक्स्ट पंचायती राज, अगेन पॉलिटी, कोऑपरेटिव्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना कवर करने पे ही हमें एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर,
पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो टोटल ऑलमोस्ट चार सब्जेक्ट्स आपको मिल गए, इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री सेकंड, कल्चर देन पॉलिटी एंड देन इकोनॉमी। देन नेक्स्ट आगे आते हैं फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। बेसिकली अभी देखिए ये फर्स्ट थ्री लाइन्स में क्लियर हो गया कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं, क्या आ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ रहा है। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूएन, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, तो बेसिकली ये सारे यूएन और उसके अलाइड थियोरीज, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड में निकल के आ गया, और क्या आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यूपीएससी कैसे गेम प्ले करता है आप लोगों के साथ, वो कहेगा हेड में दे रखा है सेक्शन डी सिलेबस में, आप देख सकते हैं हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट, बट वो कैसे सब्जेक्ट्स को इंडल्ज कर रहा है यू कैन इजिली फाइंड कि कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो जो सब्जेक्ट्स है, इंडियन हिस्ट्री, देन कल्चर, देन इंडियन पॉलिटी, देन इकोनॉमी, देन वर्ल्ड हिस्ट्री। सो बेसिकली एक सेक्शन में आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। नाउ आप नेक्स्ट आते हो सेक्शन ई, ये भी यूपीएससी के सिलेबस में दे रखा है, सेक्शन ई जियोग्राफी, आप ध्यान से देखिए जियोग्राफी को। ओके, जियोग्राफी सेक्शन ई, द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, कंसेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेटलाइन, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड दियर इफेक्ट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, बेसिकली ऑलमोस्ट ये सारे फिनोमिना जियोग्राफी के दे रखा है। ठीक है, यहां से जियोग्राफी आपकी दो निकल के आती है, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। ओके, यहां से जियोग्राफी का निकल के आता है। तो बेसिकली हमारा सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया, सिलेबस हमारा क्लियर हो गया, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ गए, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जो हमने स्टार्टिंग में ही सारा दे रखा है। अब बेसिकली अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस जो होता है वो आपके लिए एक आर्म्स की तरह होता है, एक हथियार की तरह होता है कि आप उसके हेल्प से लड़ने जा रहे हो। ठीक, लेकिन आप किस फील्ड पे लड़ोगे, आप प्लासी पे लड़ोगे कि आप तराइन पे लड़ोगे, आप पानीपत में लड़ोगे, कहां पे लड़ोगे, ये जो फील्ड होता है ना, ये आपको पीवाईक्यू ट्रेंड्स यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बताते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम 2023 के क्वेश्चंस को उठा करके देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन दे रखा है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया एंड वी केम टू नो कि क्या क्या आया हुआ है, एंसियंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस, मेडाइवल से 3, मॉडर्न से 1, कल्चर से 5 एंड 4 वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ये देख करके समझ में आ रहा क्या, सबसे ज्यादा वेटेज दिख रहा है किसका, कल्चर का और वर्ल्ड हिस्ट्री का। ओके, देन मेडाइवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, नेक्स्ट पॉलिटी, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी इससे कितने आए हुए हैं, 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2। ओके, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखते हैं कि ओवर द इयर्स कैसा रहा क्वेश्चंस का ट्रेंड, बेसिकली क्वेश्चंस जानने से हमें यह समझ में आ जाता है कि हाँ किस सब्जेक्ट का कितना एडवांटेज है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन सा छोड़ा जा सकता है किस सब्जेक्ट को, या किस सब्जेक्ट के साथ हमें ज्यादा रिलेट करना है। अब देखते हैं 2019 में हिस्ट्री से फर्स्ट सेकंड मिलाकर के 1 क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसको मार्क करके आप लोगों को बताता हूं। 2019 में देखिए आप लोग एंशियंट हिस्ट्री से टोटल मिलाकर के 1 क्वेश्चन, मेडाइवल से 5, मॉडर्न से 13, वर्ल्ड हिस्ट्री 10 क्वेश्चन, जियो वर्ल्ड जियोग्राफी टोटल 17 क्वेश्चन, सेम ट्रेंड कंटिन्यू है। 20 में नो क्वेश्चन, मेडाइवल से कोई क्वेश्चन नहीं, मॉडर्न से 9, देन वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, देन वर्ल्ड जियोग्राफी टोटल 6 क्वेश्चन, अगेन 2021
5 क्वेश्चन, देन 3 क्वेश्चंस, देन मॉडर्न से 11 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन, देन 2022 में 7 क्वेश्चन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, 3 क्वेश्चंस मेडाइवल हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन 10 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड टोटल 13 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी। 13 का मैंने ट्रेंड आप लोगों को बताया ही। नाउ एक चीज हम देखते हैं कि अब जियो इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिक और इकोनॉमी का क्या वेटेज आ रहा है। तो आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी जो है उससे 14 क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी से टोटल 14 आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी से 8, देन 2, देन 7, 6, 3, 3, 4, 6, ये ओवर द ईयर ट्रेंड्स है। पॉलिटी के देखिए, पॉलिटी के बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स है। ओके, पॉलिटी में क्या आ रहा है कि आपका देखिए 2019 में पॉलिटी में 2019 में टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, देन 2020 में टोटल 6 क्वेश्चन आ रहा है, देन 2021 4, 7, देन 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन 2 क्वेश्चंस। सो बेसिकली कहीं दिख रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा हो रहा है, तो कहीं लग रहा है मेडाइवल का हो रहा है, कहीं मॉडर्न का हो रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ सेम ट्रेंड बना हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबके ऑलमोस्ट ट्रेंड्स ऐसे ही बने हुए। देखिए इकोनॉमी को हम बेसिकली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2020 में सॉक किया हुआ है टोटल 6 क्वेश्चन आकर के। सेम वे में पॉलिटी, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 7, कभी 8। सो ये टोटल ट्रेंड्स आपको क्या बता रहा है कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ कैसा अप्रोच होना चाहिए। बेसिकली सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी नो डाउट कि क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बट वी कांट अंडर एस्टिमेट अदर सब्जेक्ट्स क्योंकि कभी कभी यूपीएससी हमें सरप्राइज करता रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अपलोड कर दूंगा, ये यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से आया हुआ है, ठीक है। बाकी आपने ट्रेंड्स देखा। सो बेसिकली एक चीज समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस डायनेमिक है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी पार्ट से आ रहा है। इसका मतलब कि हम किसी भी पार्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, हमें सारे पार्ट्स को सीरियस लेना है जो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब हेड्स बनाए हैं। इन सारे हेड्स को हमें सीरियस लेकर के चलना है, एक एक पे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, एंड देन वी विल डू अकॉर्डिंगली। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको दिख रहा होगा कि जीके के 400 मार्क्स हैं, 400 में जनरल साइंस भी आता है, जनरल साइंस भी आता है, देन जीएस जनरल स्टडीज भी आता है। तो हमको ओवरऑल देख करके हर एक एनडीए का स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम का है वो अंडर एस्टिमेट करता है। बेसिकली उसको लगता है कि अगर हम अपना मैथ मैथ एंड देन इंग्लिश और जनरल साइंस सही कर लेते हैं तो जीएस का उतना एडवांटेज नहीं होगा, उतनी कोई जरूरत नहीं होगी। बट आप सारे स्टूडेंट्स यहीं पे आकर के गलती करते हैं अदर्स के कंपैरिजन में जिनका सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्टेड होते हैं वो एक भी सेक्शन नहीं छूटते हैं, उनके लिए कोई भी सेक्शन अनटच्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जीएस को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट वो जो साइंस स्ट्रीम के बाद आते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जीएस पे। आपको सिलेक्शन लेना है, आप बाकी तो आपने पढ़ाई हुआ है, आपको केवल बाकी पे मेहनत करना है, बट ये जो आपका छूटा हुआ सब्जेक्ट है केवल आपको इस पे एफर्ट डालना है और आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट जीएस। थैंक यू, जय हिंद।